श्लोक महल्ला तीजा हुक्म न जाने बहुता रूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संगे जी अंतर्यामी श्री गुरु अमरदास साहब श्री गोविंदवाल साहब जी के संतान ने पाई अमृत उपदेश के निहाल कर रहे हैं। जमीन आज के पास सिखा ने प्रश्न किया कि महाराज जी रोंदे क्यों रेंगे सन, दुखी क्यों रेंगे, सोग के साथ क्यों रेंगे सन। तो हमारा साहब प्रमोदन है जो सिखो उनकी हालत है। श्लोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रूंगा। महाराज साहब जी ने हुक्म कर्मानुसार वचन किए है, कर्मी वह कलाम जो जिन्हें कर्म किए अनुसार उन्होंने सिर से कलम बगी है। परमेश्वर का हुक्म वही भी कर्मी अनुसार जीवन जो होया है। इस प्रकार जो किए कर्तव्य है उन्होंने फल अंतर्यामी भुगता है। वो हाकम जो सजा दिता हुक्म वाली सजा दी जा सकती है। हुक्म तो बगैर तो ना कोई वजीर बन सकता है, हुक्म तो बगैर ना कोई कैदी हो सकता है, ना कोई कैद तो रहा हो सकता जी। इस प्रकार अकाल पुरख वाहगुरु जी अपनी कीती करनी अनुसार हुक्म की जो कार है उस मारे के हुक्म ये जीव जानता नहीं है। बहुता रोवै बड़ा रो रो के बदलाव कर रहा है कि मैंने इतनी तकलीफ होगी, मैंने इतना घाटा पै गया। जो कुछ करना होंदा है वो मारा साहब जीवन की करनी अनुसार किया है। ये जीव बहुता रोंदे हैं, हुक्म मनने वाले जो धन हैं पुरख। जिस प्रकार साहब संगत जी एक वजीर सी वो संतां की संगत करया कर रहा, संतां की संगत करके उन्हें इलाज प्राप्त होया कि महाराज जी राज चलना चाहिए है। उन्होंने उस गल में धारण कर लिया। एक राजा उसका जिसका वजीर सी वो शिकार खेलन की उन्हें आदत सी। जब शिकार खेलने वास्ते गया उसकी उंगल तलवार अपनी वज के कट्टी गई। जो कट्टी गई तो राजे ने आके अफसोस किया, वजीर साहब मेरी उंगल कट्टी गई। वजीर कहन लगा राजा महाराज जो किया भला ही होया। सुन के वजीर ने मुअत्तल कर दिता, कहना यह भी भला ही होया। इस प्रकार कोई वजीर अपने घर बैठा रहा। और राजे ने शिकार खेलने की आदत सी, शिकार खेलन का दूए देश चलिया गया। वो लोग देवी के पास किसी उन्होंने कहा कि बंदे की भेटा करिए देवी ने। इस तरह पकड़ के राजे ने लाए गए। जब पकड़ के ले गए उस वक्त इहदा कहिंदे इशनान कर लो, देवी की भेटा चढ़ाउणा है। जब इशनान करन लगे उंगल कट्टी हुई देखी, देख के कहिंदे ये तो साग तंग नहीं, ये नहीं देवी की भेटा करनी, ये साग तंग होने तक भेटा किया जा सकता है। राजे की उस तरह जान बच गई। राजे ने आके फिर वजीर ने बुलाया, कहन लगा भी तैं जिहड़ा कहा सी उदन कि परमेश्वर ने भला ही किया और हुक्म भी की है, ये अज मैनू पता लगा, मैं तेनू मुतल करदा सी, मैनू माफ करना, अपनी बिजली के दर्जे से तू आ जा। उस प्रकार ये तैं जिहड़ा कहा सी भला किया, अज मैनू पता लगा जिहड़ा परमेश्वर ने भला किया मेरा। जे मेरी उंगल ना कट्टी होंगी मैनू जेड़ी भी चेता उन्हें लोगों ने पकड़ के पाकिस्तान दे देना सी, ये मैं मर जाना सी। अज उंगल कट्टी करके मेरी मैं रिहा हो के आया है। भला मैं तो मेरे वास्ते क्या भला परमेश्वर ने किया है, तेरी उंगल कट्टी गई है, पर नाल तू जब तेन मुतल किया तैं क्यों क्या भला किया परमेश्वर ने। महाराज कहते तुम कहो भला, हम भले न जाने, तुम सदा सदा दुआला। उस वे वजीर ने कहा, वजीर साहब कह लगा राजा साहब जब आप शिकार करते हो मैनू नाल ले जाते रहे हो, क्यों मैं मुतल हो तो भी कह भी परमेश्वर ने मेरा भला किया, मैंने उन्हें फरके साग शरीर सी मेरा, मैंने देवी की भेटा कदर कर देना सी, इस करके परमेश्वर ने मेरा भी भला किया, मैंने तो बजूरी तो बदखल कर दिता सी, इस करके मैं क्या भला किया परमेश्वर का। सुन के राजे ने उस वजीर की सिक्ख्या मन के सत्संगत करके वाहिगुरु के हुक्म मन के नहाल हो गया सी। इसे प्रकार जीवों के अंदर जो दुर्ता पैंती है, कोई तकलीफ होंगी है, उन्हें बहुत बुरा मानते हैं कि साडा बुरा होया है। यू नहीं जानते कि साडा भला मारन किया है। कृष्ण भगवान ने गीता अर्जुन दिखा हुआ, अर्जुन जब आदमी का कोई प्रताप नाश हो जाए, लोगों जस हट जाए, लोग निंदा करन लग जान, प्रभुति नाश हो जाए, माया नाश हो जाए, संधि नाश हो जान, उस वे आदमी ने वेला करके आपकी भगती करने वास्ते और बन्धन तोड़ना है।
पर आदमी कलेसा ने दसिया होया झोरिया की प्यार का कोई आदमी नहीं है जिसे बंधन टूट जान से महाराज की शरण आके भजन कर लेंगे। इस प्रकार मारा कहना नहीं पाई हुक्म न जाने बहुतारूंगा तो हुक्म नहीं जानते रिजाज नहीं चल रहे बहुता अफसोस करके तो परमेश्वर ने साडा धन क्यों नाश कर दिता साडे पदार्थ क्यों नाश करके हूं बहुता रोंदे हैं जिवें गुरु साहब गुरु नानक देव जी का जन्म साखी च प्रसंग आउंदा कि कलाके च महाराज गए मने तो बैठा एक आदमी करके भी महाराज ने बालां कभी जावे परमेश्वर ने कि मेरे रब ने पुत्र मार दिते मेरा कुछ भी नहीं रहा इस प्रकार गल्ला करे महाराज क्या भारी बाले सबके पास लिया साधु उन्हें जिमीदार ने महाराज के पास लिया कहने लगे भाई तू परमेश्वर की गाल क्यों कर रहे कहने लगा महाराज मेरे चार पुत्र सन वो मेरे पुत्र ने मार ले रब ने मैं गाला मैं कदा तो होर की करा सुन के महाराज कहने लगे ऐ कर गई तू आपके दोवे पैर जोड़े तो तेन परमेश्वर के पासों 10,000 रुपया दवा देने कहना जी तू कह पैर जोड़ते फिर महाराज कहते चंगा दोवे हथ जोड़े तो 20,000 रुपया करतार पास तेन दवा देने कहना जी मैं खाऊ पीऊ कह दूंगा पूरा कह दूंगा तेन हथ क्यों देना महाराज कहते चंगा 1,00,000 रुपया महाराज पास तेन दवा देने तू आज दोवे मित्र जोड़े कहने लगा महाराज ना सुन देखू कह देना उस वे महाराज ने कहा चंगा सर दे 2,00,000,000 रुपया तेन करतार से दवाने कहना जी मैं तो मर दूंगे मेरे कुछ काम आ उस वे महाराज दोहरा हुआ जन्म साखी का कहते भला लोका सब कुछ गोद नहीं दिया जब दीनी मान सदे जब तेन मनुखा दे दिया सब कुछ परमेश्वर ने दे दिता है साध संघ हर भजन कर जन्म सफल कर ले तो संघ की मिलकर महाराज का भजन करके आया जन्म सफला कर ला इतनी कोई चीज लुकोई है तू 2,00,000,000 नहीं भी आया सिर देने प्यार नहीं है तो परमेश्वर का सब कुछ भजन मनुखा दे दिखती है इस प्रकार मनुखा दे जेड़े चंगे पासे नहीं लाते वाहिगुरु के हुक्म नहीं मानते इस प्रकार की भगते भारे उन्होंने देखा जाती है बहुता रोंदे हैं दुखी हो के अंदर धोखा नींद ना सोवे अंदर धोखेबाजी बाली होंगी है हरेक ने छल करते रहेंगे हरेक ने धोखेबाजी छल करते रहेंगे अंदर धोखा संशय बनिया रहा है और संशय के मारे भी चिंता के मारे भी तिखा दे चढ़िया रहा है ऐ नींद नहीं आऊंगी नींद तो संदा नहीं है जी धन खत्म चला रजाई मारे साहब कहते स्त्री जी अपने मालिक की रजाज चलने वाली है सतवंती है डर घर शोभा महल बुलाई वो भाई आपके दल बूहे च भी शोभा पाती है बुराणिया छानिया भी तो सिखा लेनी है घर भी और सब संघ की शोभा पाती है अपने सस सहुरा का भी आदर कर दी है महल बुलाई पति भी आपके महिला तेन बुला लेंदा है इस प्रकार साहब सिंह जी लायक जिन्हें स्त्री है उन्होंने गुण होंगे है जिन्हिया लायक लड़कियां नहीं होंदिया उन्होंने किसी प्रकार की शोभा नहीं होंगी इस प्रकार जेड़ी जनता ने शुद्ध बुद्ध वाहगुरु जी लाग चलने वाली है पास लड़की दर घर शोभा महल बुलाई उन्होंने साध संघ की धरती की शोभा होंगी है घर प्रलोक की भी शोभा होंगी है महल सचखंड की महाराज ने बुला लेंगे अतेर कर लेंगे आज दर संसार की भी शोभा होंगी है घर प्रलोक की भी शोभा होंगी है महल आपके सत स्वरूप महाराज बुला लेंगे है क्रिया करते स्थित होंगे दर ज्ञान भी स्थित होकर शोभा होंगी है कलंता करने सख स्वरूप की सिख्याता करके शोभा होंगी है महल उन्होंने सत स्वरूप क्रिया करी च बुला के भेद किया जाता है नानक करनी यह मत पाई सतगुरु जी कहते जो चंगे कर्म किए हुए हो निष्काम कर्म किए हुए हो मत प्राप्त होंगी इस संगत विचों करमी गुरु साहब की कृपा करके ये गुरमत न पाई वह है गुर प्रसादी सच समाई सतगुरों की कृपा दृष्टि करके सच स्वरूप च समाया जाता है भेद होया जाता है फिर आदमी रोन तो रहत हो जाता है नहीं तो सारी दुनिया रोंदी है रोया राम निकाला भया सीधा लखन बिछड़ गया मनु नाम सोई नहीं जाए और ही करो ना लेखे लाए महला तीजा मनमुख नाम की मूल मनुख लोग कर सके पाता के नाम तो बगैर हमें पुरख रंग कसुम का देख ना भुल माया का रंग जरा कसुम का भी नहीं कच्चा रंग है किसम के रंग से पानी पाए झाकी डब्बा खड़ा दब खड़बा हो जाता है इसे प्रकार है मनुखा नाम तो रहते ये किसम के रंग में माया का जरा आनंद है इन वेख के भुलना कर
ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਉਹ ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਗ ਗਵਾਈਆਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਹੇ ਸਭ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਝਾਕੀ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਾ ਰੰਗ ਦਿਲ ਛੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋਚਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਸੋਚਾ ਤੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਫਲਮੂ ਦੇ ਦੇਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰ ਸੱਜੇ ਕਾਲ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਬੋਜ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੜਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਨੇਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਬੋਜ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਦੇ ਸੱਜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਤ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਮੂਹੇ ਸਰਾਜ ਕਰਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਤੱਕ ਮੂਹੇ ਸੋਚਾ ਕੁਛ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਪੈਣ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਤੱਕ ਮੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਇਤ ਭਾਅ ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹਨ ਗਵਾਰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਗਊ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਡਾਲ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਗਵਾਰ ਬਸੰਗ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਰੂਪੀ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਘਾਹ ਚਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਜਿਸਾਂ ਦੁਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਾਰੂ ਵਾਰ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਚਲੋਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੜੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਏ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਏ ਕੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੂਨਾਂ ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਰੰਗਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਆਨੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਸਹੀ ਸੋ ਭਾਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਦੇ ਉੱਤਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਚੜੇਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਹਿਜੇ ਰਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੌੜੀ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਖਾਨੀਆਂ ਰੂਪ ਆਪੇ ਰਿਜਕ ਸੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਰਿਜਕ ਰੋਧੀ ਨੂੰ ਤੁਮਾਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਭਰਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਲ ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਖਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਰੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਲ ਬਲ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਧਨ ਖਲ ਲੈਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪੁੱਛੀਏ ਮੂੰਹ ਕੂੜ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸੱਤ ਉਲਟਾ ਹੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੁਰਸਤ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਧਾਹਿਆ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਧਾਹਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਿਆ ਜੀਵਨ ਧਾਹਿਆ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਖੁਦ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਭਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾ ਛੱਡੇ ਹੈ ਮੰਦ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦ ਫਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੁਝਾਏ ਉਸਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਜੀਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਐਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਜੰਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਐਸਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭੰਡਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਵਾਤਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੀਤ ਖਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਸਫਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਥ ਕਢਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੱਢਣ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਾ ਹੈ ਹੱਥ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ
खरीद में अगे जाके बिल्डिंगा कर दे मिनटा कर दे सानू दो कुछ इस तरह और कभी भी पले नहीं पी हड्डी फिरते हैं। शलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद वखाण है। दोनों पंडित सी बड़ा विद्वान सी इस प्रधान सारी भी वार से भी महाराज साहब शलोक उचारे ने ये महाराज साहब के पास आया इतने श्री गोइंदवाल साहब गौरी साहब के दीवान लगा सी महाराज का हुक्म सी जो प्रसादा लंगर छके साधे दर्शन करे उन्होंने गुरु साहब के बौली साहब च आके बैठ गया दर्शन किए जो दर्शन किए उस वे कह लगा कि महाराज महाराज विद्वान है मैं सिखा ने भी कोई विद्यापन लाना चाहिए है सुन के गुरु साहब और मन माया च फसया हुआ जान के परम पवित्र उपदेश लगते हैं जोनी के प्रसाद महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद वखाण है। भाई पंडित विद्वान बन के पढ़ के शास्त्रा पढ़ के वेदा न्याकरणा सिंगल ज्योतिष इत्यादिक वेदा का कथन कर रहे छे अंग है सिखिया कलप नरुकत ज्योतिष सिंगल व्याकरण इन्हों पढ़ पढ़ के फिर वेदा का व्याख्यान कर रहे हो। माया मोह स्वाद अंदर माया के मोह का स्वाद क्या हुआ है माया के मोह के स्वाद प्रयोजन के लगे हुए हो। दूजा भाई हर नाम के सारे बहुत भाग ही लगे हुए हो भाई परमेश्वर के नाम नु भुलाता है 80,000 फिरती कर्म कांड में कहती है 16,000 फिरती मोहन उपासना कहती है 4,000 फिरती जी वेदी है और ज्ञान अहंगरे उपासना कहती है। दूजा भाए हर नाम विसार परमेश्वर का नाम द्वैत भाग के लाके विसार दिता है मन मूर्ख मिला सजा ऐसे जेडे मन के मूर्ख सजा मिलती दंड मिलता है लोक परलोक जियो पिंड दिता किस कब हूं गुरु ने जिसने जी सुख नसीब दिता है कर्म दे दिती है सुसूल दे सुर दिता है उस वाहिगुरु कदे नहीं चेते कर ले चेतन सत्ता पा के सुर दिता है बना के सारे अंग प्रतंग बना के दिते हैं जो देंदा रिजक संभाल भाई सदा सारे संभालना उपड़ा है जिला सारे रिजको उपड़ा दिता है उस कदे चेते नहीं कर रहे हैं। दम का फाहा गल होना चक्की है उन्होंने गल की दम का फाहा हमेशा मौत का प्या रहा है कदे मुक्त नहीं हो सकते जमा का फाहा नहीं उन्होंने सिरों गलों कटिया जाता फिर आया जाए फिर आशी के जेड़े च जीव आत्मा मुड़ मुड़ के आते जाते हैं बार बार अज दिन पिंडा वो जीवना च घुकते हैं। मन मुख किसी ना सूझा अंधले मन मुख ऐसे अज्ञानी हुए मन बदरी नेत्रा च ज्ञान रूपी निगरानी उन्हें कोई दिखा नहीं लोक परलोक का ज्ञान पूर्व लिखा पूर्व ज्ञान कर्म किया इस लिखता लेख ओले अनुसार हम फिर वासना फुरदी है ओले अनुसार कमाई कर रही है वो कमाई अनुसार काम आउंदी है जीवन के पूरा भाग सतगुर मिला पूर्ण उत्तम भाग हम निष्काम कर्म किए हुए है परमेश्वर के प्रेम हो सरदेव जी मिल पाएंगे सुख दाता नाम वसा माने सरदेव जी कैसे सुखा के दाते हैं सतग्रह का सुखा का दाता नाम उन्होंने मन चाहते वसला है सुख मान है सुख पहनना और सुख न मान के सरवण करते है सुख का पहनना करते मनन करते हैं सुख सुख विहार सुख दे निर्यासन कमाई करते है सुख की कर्तव्य का शोधन करते है इस जीवन मृति का नाम सुख ही सुख के समय में मजबूत होंगे नानक सो लाओ मनो ना विसारी लखर जो महाराज का नाम है उसन कदे नहीं विसारना चाहिए सतगुरु जी कहते हैं दर सचा शोभाता जिस नाम करके सचे दरगाह सच खाने की जीव शोभा वडियाई पावे जिन जाता सो तुम ही जो है महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया जिन्होंने सतगुरु का सेवन किया है उन्हें आत्मा ने सुख पैदा किया है सच नाम गुणता सतगुरु की सेवा करके सचा नाम जो गुणा का पास पात्र खजाना है इस द्वारा इन्होंने सुख रूप में पा लिया है। गुरमति आप पछाण उन्होंने गुरमत द्वारा अपना सत स्वरूप सच नंद रूप पछाण लिया है राम नाम प्रगाश गुरमति ही राम नाम प्रगाश गुरमत द्वारा राम के नाम का जो प्रकाश होया है कोट सूर नाम को जो प्रकाश इस प्रकार जो होया है वो करके अपना आत्मा ने पछाण लिया है।
सचो सच कमावण सच का सरवण कर दे सच का ही मनन कर दे सच की कमाई कर दे वड्याई वड्डे पास उन्होंने वड्याई वड्डे अकाल पुरख के पासों प्राप्त हुई है सब किस का ब्रह्म जानते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर की वड्याई महाराज दिखी है जी सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर सब उस वाहिगुरु की दात है सिफ्त करे अरदास जो गुरमुख है जीवन की आनंद वाते महाराज सिफ्त करते रहेंगे सिफ्त करके भी हंकार नहीं करते महाराज जस करते फिर अरदासा कर रहे हैं बेनतियां कर रहे रंजन महाराज अगे बच्चा शब्द साला भाई सचे गुरु के उपदेश करके वाहगुरु सराहना किया है जिन्होंने सुखे सुख निवास इस लोग भी सुख है पर लोग भी सुख सुख निवास चुका होंदा है जप तप संयम मन जरा मंत्र वाहगुरु ने हर वक्त जपना है मन मैं जाप भगवंत गुर पूरे दिए दोनों मंत्र जरा मंत्र परमेश्वर ने जपना है ये भाई गुरु साहब ने मंत्र दिता है अजपा जाप ने दूसरे आज जुगार समाए इन्हें जप करना बाणी करके तप करना शरीर करके समय इंद्रिया दमन करना इंद्रिया करके ये मंत्र जो सुन बस देना वो दे सारे जाप हो गए सारे तप हो गए सारे इंद्रिया के साधन हो गए जतन हो गए दिल नाम है प्रेम जीवा ये मंत्र नाम है ता जीवना सफल है ये नाम नहीं जप मंत्र पढ़ जाके देवते का तप कर लिया शरीर करके भुखा त्योहार या व्रत रखा संजय इंद्रिया करके अखा नहीं छदिया मुंह करके बोलना मौन धार लिया इस प्रकार नाम तो बिना जो है सरकार है उसका जीवन ये दुनिया के जीवन की आस है गुरमति ना पाई है भाई नाम मारे गुरु की मत सिख्या करके पाई रहा है मनमुख मोह बिना मनमुख लोग तो देह की मोह सुनिया के मोह की नाश हो रही है वह नाम की दात नहीं पाते सतगुरों के पासों जो पावे क्यों राख परमेश्वर जी ने आप पाँगा है आप उस प्रकार संसार के जीवन रखना कर रहे साधी रखा करो जिन्हें आप पाँगा है नानक तेरा दास गुरु साहब जी कहनी बेनती करो गुरसिख मैं तो महाराज आपका सेवक हाँ पौड़ी सब कुछ तेरा तू सब सदा बादशाह सब कोई तेरा है तू सारिया का मालिक है तू सब लहरा तू सारिया प्राणा रुचि पुना रुचि पूरी जिती है मनुखा दे रुचि श्वासा रुचि सारिया महाराज ब्रह्म ज्ञान की रास भगती की रास भी कहीं देनी है सर्वा रुचि रास भी सब तुझा पासों मंग दे सारे महाराज तेरे पास ही मंगते हैं कर अरदा तुझा पर कोई बेनतियां करके कोई रचना करके कर रहा है कोई हृदय करके कर रहा है इस प्रकार बेनतियां कर रहे हैं सारे सब कुछ मिला सतगुरों द्वारा तुम बख्शते हो उन्हें धर्म अर्थ काम और सब कुछ मिल जाता है इतना दूर है पास इतना नहीं मारा तू दूर है न्याय तुझे तेन दूर समझते हैं जिन्हें बलैत कोई पातशाह हो समझते हैं परलोक एक जो तत् देते हैं उन्होंने पास नहीं मृत वर्ती है सदा एक मनमुखा ने दूर है एक गुरमुखा के पास नहीं है खुद वज हो थाओ को नहीं पास मंजी है महाराज आपके बगैर कोई थान नहीं है और किसी पास मंजिए सब कंगाल है सचे पास मांगो का रंग सब देखो इधर तो मेरा निस्तार मन देखो को निर्जार भाई संसार तो मन में कोई निर्णय करके जास उन्होंने पास जाके निर्विशेष करके जाके देख लो निर्णय करके देख लो ये संसार है सारे मंगते देवी देवते जिन्हें हैं सब तुगा लो सलाह दे परमेश्वर सारे तेरी सिफती कर रहे हैं डर गुरमुखा लो प्रकार डर सब संगत द्वारा गुरमुखा के डर अंदर हृदय दे डर ज्ञान द्वारा सचे पातशाह प्रकाश होया है आपके डर का सचखंड का